गाइस, तो भानु का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि भानु की हो रही है बहुत ज़्यादा तबीयत खराब। पता नहीं क्या हो गया आजकल, है ना, भानु के है ना हेडेक बहुत रहने लगा। अभी अभी आए हैं और अभी टाइम हुआ है 10:30 बज रहे हैं और आती ही ऐसी लेट जाते हैं बिल्कुल। ना कुछ भी ना खाएंगे ना पियेंगे, पता नहीं क्या यहाँ दर्द बताते हैं यहाँ। अब ये पता नहीं ट्रैवलिंग की वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। अभी 2 दिन पहले भी जब बताया था ना, मैंने जिम नहीं गए थे बता रहे थे भानु पे, पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, तब भी यही कंडीशन थी। आती ऐसी लेट जाते, ना कुछ खाना खाते हैं ना कुछ पीते हैं, बस ऐसे लेटे रहेंगे। और पता नहीं क्या चीज़ होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आईज वीक हो रही है, किस वजह से दर्द है ये है भानु। अब इसे सीरियसली ले लो यार, पता नहीं क्या सीरियसली लो इसे, क्योंकि पहले तो मुझे लग रहा था नॉर्मल है, बट यार नहीं है, नॉर्मल नहीं है। यार एक बात बताओ, तुम ठीक नहीं रहोगे, अभी कुछ भी हो सकता है, मेरी प्रेगनेंसी कभी भी हो सकती है, डिलीवरी। ठीक हूँ। ठीक नहीं हो यार, तुम क्यों ऐसे करते हो, एक बार डॉक्टर से कंसर्न कर लेते हैं। इसी साइड रहता है, ये देखो गाइस, इस साइड दर्द रहता है भानु के बहुत ज्यादा। ड्राइविंग करेंगे ना तो दूसरी साइड की लाइट आती है, वो भी बहुत लगती है, तब मत जाना जिम विम मत जाओ। हाँ जाऊंगा, रेस्ट कर रहा हूँ 10-15 मिनट, फिर जाऊंगा। 10-15 मिनट के 11 तो बज ही गए। हाँ तो 11 बजे निकलूंगा, अभी 15 मिनट है। तो फिर कुछ खा लो, कुछ दे दूं। खा के नहीं जाऊंगा ना, तो लिक्विड में कुछ ले लो। कुछ भी नहीं। दोपहर में सही समय पे खाना खाया था? हाँ एकदम सही। हाँ पता नहीं क्या हो गया है, भानु की तो तबीयत खराब रहती ही नहीं है। भानु एकदम फिट रहते हैं क्योंकि दवाई वगैरह बिल्कुल नहीं खाते कुछ भी, पता नहीं क्या हो गया है। देखो तुम्हारा एक पार्सल भी आए रखा है। इसको खोल के दिखाऊं? नहीं। हाँ मैं करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग। तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, मैं खोल देती हूँ। मैं करूंगा, मैं खोल देती हूँ, मेरा है। मैं करूंगा, अभी ठीक हो जाऊंगा फिर करूंगा। कहीं इतनी ड्राइविंग की वजह से तो नहीं हो रहा है? पर ये तो तुम हमेशा से करते हो, पता नहीं सडनली क्या हो गया यार। अभी तो तुम्हें सब ठीक रहना चाहिए तुम्हें। तो गाइस भानु अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, तो उनका ये पार्सल आया रखा था, तो मैं सोची मैं ही आपको खोल के दिखा दूँ इसमें क्या है। देख के समझ तो गए होंगे आप लोग क्या है इसमें, इतना बड़ा सा पैकेट है। भानु ने अपने शूज मंगाए हैं, भानु का एक्चुअली शूज का बहुत शौक है, वो महंगे महंगे शूज खरीदते रहते हैं ब्रांड के। तो भानु ने ये मंगाया पूमा का, मोस्टली भानु जो ब्रांड यूज करते हैं पूमा ही करते हैं, पूमा करते हैं, ये प्रोवोक करते हैं, ज्यादातर पूमा का करते हैं। तो गाइस ये है शूज पूमा के, अब जब भानु उठेंगे तो वो पहन के दिखाएंगे साइज वगैरह कैसा है कैसा नहीं। वैसे तो ब्रांड के साइज ठीक ही आते हैं पूमा के, और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है ब्रांड में। एक्चुअली यही खास बात होता है कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट रहता है। तो ये भानु ने अपने लिए शूज़ मंगाए हैं, अब वो जब उठेंगे तो पहन के दिखाएंगे। मुझे लगता नहीं कि आज वो जिम वगैरह भी जा पाएंगे क्योंकि मुझे तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है, तो मैं उठाऊँगी नहीं। अगर अपना आप से उठ गए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं उठते हैं तो फिर देखें। और वैसे भी अभी भानु घर पर ही रहने वाले हैं, अभी एक्चुअली क्या है मेरी डेट जैसे पास आ गई है, आप लोगों को पता होगा डॉक्टर ने हमें डेट दे दी है, 15 दिन बाद हम कभी भी अपनी डिलीवरी करा सकते हैं। और उन्होंने बोला था कि घर पर ही रहे क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मेरे लेबर पेन तो नहीं होगा लेकिन हाँ मेरे ब्लीडिंग वगैरह कभी भी हो सकती है, तो इस वजह से भानु कल से घर पर ही रहेंगे। तो मे बी तब टाइमिंग वगैरह अपनी फिक्स कर लेंगे क्योंकि अभी तो बहुत लेट हो जाता है। भानु 11-12 बजे जिम जाते हैं, वहाँ से 2-2 बजे तक आते हैं, तो बॉडी को एकदम रिलैक्स नहीं मिल पा रहा है। तो अभी देखते हैं, अभी आराम कर रहे हैं, उठते हैं तो अपडेट देंगे, वो खुद ही देंगे। मैंने उनका व्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी भानु ने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करी है तो वो कह रहे थे प्लीज़ मेरे व्लॉग का स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो जाता फिर तो आप डाल दोगे उसमें कुछ जो आप दिखा रहे हो, बाकी तो भानु ही दिखाते हैं। तो गाइस जैसा भी होगा भानु अपना आपको अपनी अपडेट दे देंगे, जाते हैं या नहीं जाते हैं।
अभी टाइम हो रहा है 11 और फाइनली भानु उठ चुके हैं। मत जाओ ना जब दर्द हो रहा है तो। नहीं जा रहा हूँ। हाँ जाऊंगा। क्यों? अब तो तुम कल से घर पर ही हो, कभी भी चले जाते, दो टाइम चले जाओ। मैं जाऊंगा। जाओगे? पक्का ठीक हो? कहीं और होने लगे? नहीं ठीक हूँ। तो चलिए भानु रेडी होते हैं, रेडी होने से बाद आपको मिलते हैं। वो शूज ट्राई कर रहे हैं जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग दिखाई थी आपको। छोटे हैं क्या? 10 नंबर है। 10 नंबर 29 US 11 10 नंबर है यार। UK 10। हाँ ठीक है। सॉक्स पहन के ट्राई करूँ क्या? लिखा हुआ यूके 10। ये रहा। पर नहीं जा रहा तो क्या करूं? और दिन नहीं। सॉक्स की वजह से तो नहीं जा रहा? अबे यार अभी रिटर्न का प्रोसेस मुझे इतना खराब लगता है ना। नहीं नहीं रिटर्न है। हैं? मैं जाऊंगा नहीं तो होंगे ही नहीं। इसका मुंह छोटा है यहाँ से। कहीं सॉक्स की वजह से तो नहीं हो रहा? अरे टाइट है, सॉक्स की वजह से नहीं जाएंगे ही नहीं है। यहीं से इतना टाइट हो गया है यार। कैसे है हमेशा? नहीं है, बेकार है, छोटे हैं, बेकार। तो हे गाइस, मैं जिम के लिए रेडी हो गया हूँ। थोड़ा सा सर में दर्द है बट कोई नहीं, जिम तो करनी है तो जिम के लिए तैयार हूँ। अपने कपड़े पहन के अब चल रहा हूँ जिम। आयुष भाई का भी फ़ोन आ गया जिम में, वो वेट कर रहे हैं। तो जिम चलते हैं और एक्सरसाइज करता हूँ, फिर आके रेस्ट करता हूँ। और कल ना बहुत देर, ज़्यादा देर सोऊंगा तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम मेरी ठीक हो जाएगी। आई डोंट नो ये प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई व्लॉग देख रहा हो और किसी को इसकी नॉलेज हो तो बताना। मेरे एक्चुअली में क्या होता है, मेरी लाइट्स भी लगती है, जैसे लाइट है ये लाइट लग रही है, इस आँख में सब कुछ हो रहा है और अंदर पेन हो रहा है, तो मैं इसको बंद रखता हूँ। कभी इस आँख पे होता है, कभी इस आँख पे होता है, ये ज़्यादा हेडेक की वजह से ही होता है शायद, आई डोंट नो। सो कोई बात नहीं, चलते हैं जिम। ओके जिम में मिलता हूँ। सर में हो रहा है दर्द बट प्री वर्कआउट मैंने पी लिया है। एक्सरसाइज तो अब करनी पड़ेगी, पीछे हट नहीं सकता हूँ। हे गाइस, मैं आ गया हूँ जिम के अंदर और फिर करने वाला हूँ एक्सरसाइज। और आयुष भाई भी आ गए हैं मेरे साथ, थोड़ा चेंज चल रहा है उनका। तो आज जो मैं करने वाला हूँ, मैं करूँगा बैक। तुम कौन सी कर रहे हो? तो आयुष भाई करने वाले चेस्ट, और आज देखने वाला हूँ हैवी चेस्ट। और कुछ टाइम के व्लॉग्स के बाद हम लोग सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं जो बिगनर्स के लिए होती है, तो वो ज़रूर देखना। और एक दो दिन में मेरा नया प्रोटीन आने वाला है जो मैंने अपग्रेड वर्जन मंगाया हुआ है, बॉडी में और डिफरेंट चीज़ें चेंज करने के लिए, तो वो भी दिखाऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपना वार्म अप, देन करते हैं एक्सरसाइज, है ना। करने वाला हूँ चेस्ट, और चेस्ट करने वाला हूँ बहुत हैवी। थोड़ा पेन है थाइस में, कल थाइस लगवाई थी बानू भाई ने, बहुत ज़्यादा पेन हुआ। स्टार्ट करते हैं वार्म अप से और फिर डिप से। चेस्ट का पहला सेट स्टार्ट करने वाला हूँ, डिक्लाइन डंपल प्रेस 20-20 से। दूसरा सेट है मेरा फ्लैट बेंच प्रेस, और वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 50 किलो से।
कितना वेट था ये? ये 60 था। 60 किलो। हाँ। बैक की दूसरी एक्सरसाइज जो मैं आने वाला हूँ, पोजीशन देख लीजिए। एक्सरसाइज में पोजीशन पे है और फील कर लेते हैं। जितना बेटर फील करोगे और पोजीशन रहेगी, अच्छी। तो गाइज अभी होने वाला 70 kg और ये बहुत ही जल्द लगने वाला है, बिकॉज 1, 2, 3 फेज देखिए कितना रेड हो गया है, 4 और ये फ्री में फोन आ रहे हैं 70 kg। हमारी रोड में भी 20 kg वेट है। हमारी रोड ओलंपिया वाली रोड है, इंडियन रोड नहीं है, जो 12 किलो की होती है। तो मतलब नोटल टाइम 90 kg हो गया। हाँ। तो गाइस बहुत ही हैवी एक्सरसाइज चल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। आयुष भाई मारने वाले हैं डंबल से फ्लाई, तीसरा सेट चेस्ट का। तो इन्होंने इस चेयर पर ना इक्लाइन कर रखा है और इक्लाइन करके फ्लाई मार रहे हैं। वेट है इनके हाथ में 10 नहीं 12.5 12.5 सॉरी। और फ्लाई की पोजीशन देख लीजिए, और मेरी चल रही है बैक, कंटिन्यूस बैक मार रहा हूँ, और बैक का मेरा इसका 3rd सेट है, वो दिखाता हूँ आपको। पसीने तो आज भी तगड़े आ रहे हैं, है ना? बहुत तगड़े। गर्मी की वजह से हो रही है क्या? गर्मी भी है, कुछ एक्सरसाइज भी हैवी हो रही है। तो गाइस कर रहा हूँ बैक का 4th सेट। तो गाइस जिम हो गई ख़त्म हम दोनों की, और आज स्विमिंग करने का प्लान नहीं है, बिकॉज स्विमिंग पूल में ना कल रात में शायद गंदगी गिर गई थी, तो सफाई प्रॉपर हो नहीं पाई है, तो कल करेंगे स्विमिंग। तो अभी चलते हैं घर, ठीक है? और घर पे मैं क्या डाइट लेने वाला हूँ वो दिखाऊंगा आपको। ओके, क्या हूँ घर के अंदर और खा रहा हूँ अपने वाइट एग, और वाइट एग खाता हूँ और सो जाता हूँ, बिकॉज मैं कुछ और नहीं खाने वाला हूँ। तो आज के ब्लॉग का करता हूँ यहीं पे एंड, मिलता हूँ कल। आज हो गई थी जिम में भसड़, वो भसड़ क्या हुई है थोड़ी थोड़ी थी, शीशे के बाहर दिखती रही, ब्लॉग पूरा देखना। तो मिलता हूँ गाइज कल, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।